الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسبوقات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا يتخذوا من دوني وكيلا صلوات میں معذرت خواہ ہوں کہ برقی نظام کی خرابی کی وجہ سے تقریباً کوئی سات آٹھ منٹ کی دیری کے ساتھ یہ مجلس شروع ہو رہی ہے اور اس اعتبار سے جہاں جہاں ریلے پر یہ تقریر سنی جا رہی ہے اور جو حضرات سن رہے ہیں میں ان سے معافی کا خواہاں ہوں. یہ چھٹی تقریر ہے اور آج جن مسائل پر اب تک گفتگو ہو چکی ہے ان کو آپ کے حافظے کے سپرد کرتے ہوئے صرف ایک امر کی طرف متوجہ کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ پہلی آیت تو ختم ہوئی مگر اس سلسلے میں چند باتیں یاد رہیں. وہ یہ کہ مفسرین نے معراج کے سلسلے میں طویل مباحث اختیار کیے اور اس سے ضخیم کتابیں لکھی گئیں اور حق کا تفسیر کو ادا کرنے والوں نے تو درجہ بدرجہ پورے سیر سماوات کو نقل کیا. ظاہر ہے کہ مجھ سے یہ خدمت ادا نہ ہو سکے گی اور نہ میں اس طرف متوجہ ہوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ کلام مجید کی اس آیہ شریفہ کے بعض اہم مقامات کو آپ محفوظ کریں اور ان پانچ گزشتہ تقریروں کے بعد بھی جو اس آیت میں تشنگی ہے
और उसको यकीनन और बहर सूरत आपकी समाज के लिए हदिया होना चाहिए और आपको उस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। वो ये कि ये आखिरी टुकड़ा ले नूरियहू मिन आयातिना, कि मेराज का मकसद ये था कि हम अपनी निशानियां दिखलाएं। ले नूरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवा समीउल बसीर, यानी इस सबक को बतलाया, इस वजह को बतलाया कि मेराज क्या है। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, बारकना हौलहू सिफत है मस्जिद अक्सा की, कि उसके अतराफ को हमने बरकत वाला बनाया। और नबी के आने की वजह यह बतलाई ले नूरियहू मिन आयातिना, ताकि हम अपनी निशानियों में से नबी को कुछ निशानियां बतलाएं। इन्नहू हुवा समीउल बसीर, वो सुनने वाला भी है और देखने वाला भी। नारे चला। तो अब जिस मसले की तरफ आपको तवज्जो करनी है वो ये है कि सूरह नजम ने जब मेराज पर गुफ्तगू की तो वहां ये इरशाद हुआ के इसी की तफसील में लकद राम मिन आयात रब्बिल कुबरा, नबी ने अपने रब की सबसे बड़ी निशानी को देखा। लकद राम मिन आयात रब्बिल कुबरा, आयतों में भी जो सबसे कुबरा है उस निशानी को देखा। और उसके साथी इरशाद हुआ अफर रही तुम लात वल उज्जा व मनात अस्सालिसा लुखरा, क्या तुमने लात व मनात और उज्जा को देखा। ये दोनों का रब तो देखिए, नबी ने देखा हमारी सबसे बड़ी निशानी को, क्या तुमने देखा लातो मनातो उज्जा को। और उसके बाद जाहिर है कि आपकी फिक्र बजाय इसके के आयत के खुलासे की तरफ जाए, मैं इसी लफ्ज आयत पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूं जो आज की तकरीर के लिए तमहीद बन जाए और फिर हम नतीजे कलाम पे पहुंचे। कुरान मजीद ने लफ्ज आयत को अजीब अजीब तरह से इस्तेमाल किया है, खुसूसन सूरह रूम 30वां सूरा भरा हुआ है लफ्ज आयत की तफसीर। इरशाद हुआ वमिन आयात ही मनाओ मुकुम बिल्लाए, उसकी निशानियों में से एक निशानी है जो रात को तुम सोते हो। वमिन आयात ही मनाओ मुकुम बिल्लाए, तुमको रात को जो नींद आती है वो भी अल्लाह की एक निशानी है। वमिन आयात ही अन युरीकुम अल-बर्क खौफन व तमा, और उसकी निशानियों में एक निशानी है कि तुम बिजली को कभी डर से और कभी एक ख्वाहिश के साथ देखते हो उसके चमकने को। डर यह है कि कहीं खिरमन न जल जाए, और तमा यह है कि शायद इसके पीछे अब्र हो। वमिन आयात ही युरीकुम अल-बर्क खौफन व तमा, फिर इरशाद हुआ वमिन आयात ही अन खलक़कुम मिन तुराबिन थुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून, और उसकी निशानी है ये कि तुमको मिट्टी से पैदा किया, तुम बादीउल बुशरा बने, पहचाने जाने के काबिल हुए, पहचाने गए और जमीन में फैल गए, ये उसकी निशानी है। वमिन आयात ही अन खलक़लकुम मिन अनफुसकुम अज़वाजा, उसकी निशानी है कि तुम्हारे नफूस से जोड़े पैदा किए। और फिर मुख्तलिफ मकामात पर आयात के सिलसिले में यह भी हिदायत थी कि अगर कोई अल्लाह की आयतों को झुठलाए, अल्लाह की आयतों को झुठलाए, सुम्मा काना आक़िबतल्लज़ीना असाउ सुवा कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह व कानू बिहा यस्तहज़ऊन, बदतरीन अंजाम है उसका जो अल्लाह की आयतों को झुठलाए। ये भी तंबीह। तो अब
इस तरह से कुरान मजीद को आप मुसलसल पढ़ते जाएंगे, उसकी तिलावत फरमाते जाएंगे, तो पता चलेगा कि रात भी आए थे, दिन भी आए थे, मशरिको मगरिब में तुलू और गुरूब भी आए थे, तारों का निकलना भी आयते हैं, तारों का डूबना भी आयते हैं, मौसमों का बदलना भी आयते हैं, इंसान का चलना फिरना, उसका पैदा होना, उसका जिंदगी का अपने गुजारना, ये सब आयत है। और इधर इरशाद हुआ लकद रा मिन आयात रब्बिल कुबरा, तो रात को दिखलाने के लिए बुलाया था, दिन के किसी मंजर के लिए बुलाया था, जमीन के नमू और उसके नशों को बतलाने के लिए बुलाया था, बर्फ को चमका कर दिखाने के लिए बुलाया था, ये सब निशानियां हैं। इसलिए सराहत कर दी लकद राम मिन आया उस रब बिल कुबरा, अपने रब की उसने बड़ी निशानी को देखा। और ये आयत कहां आई, दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औदना फौहैना इला अब्दही मा औहा, और उसके बाद लकद राम मिन आया उसे रब बिल कुबरा, उसने अपने रब की बड़ी निशानी को देखा। हमको नहीं मालूम, हम नहीं बतला सकते कि उसने क्या देखा, वाज़ेह हो जाए। अब जिस किसी ने अपने जज्बात पर काबू पाए बगैर अपनी मोहब्बतों को जाहिर करने की कोशिश की कि किसने किसको कहां देखा, तो ये बातें मेरे हीते तकरीर से बाहर हैं। मैं उस पर न गुफ्तगू कर सकता हूं, न आपकी तवज्जो को मुनासिब कर सकता हूं, ये मेरा काम नहीं है। इसलिए कि जाहिर है कि मैं चाहता हूं कि सनद रहे, और कोई सनद आपके पास नहीं। सिर्फ इतना मालूम होता है मेरा आज की आयतों से कि लकद राव मिन आया उसे रब्बिल कुबरा, उसने अपने रब की सबसे बड़ी निशानी को देखा। अफराई तुम लात वल उज्जा व मनात सालिसत अल उखरा, क्या तुमने लात व मनात व उज्जा को देखा, यानी आयत कुबरा के मुकाबिल में बुत आए, उसने आयत कुबरा को देखा, तुमने बुतों को देखा। अब बुतों की जिद क्या है, बुतों की जिद क्या है, यह भी एक गुफ्तगू है। या बुतों को बनाना या बुतों को तोड़ना, ये दो अमल ऐसे हैं कि जो तवज्जो के लिए जाजिब है कि मुमकिन है ये भी कोई निशानी हो और शायद इस तरह गुफ्तगू हो। बहरहाल सिर्फ इंसान के लिए गौर और फिक्र के वास्ते राहें तो निकल सकती है, मगर कतई तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप मुझे माफ करेंगे, मैं एक लफ्ज इस सिलसिले में नहीं कहूंगा, फकत यही कि उसने अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी को देखा। देखिए यानी कब देखा, तो औहा इला अब्दही मा औहा, जो कुछ वही हम करना चाहते थे हम कर चुके, और उसके बाद देखा, और उसके बाद अब मैं जाहिर है कि मुहद्दिसीन की खिदमत में हाजिरी दूंगा और इनसे पूछूंगा कि रसूल ने क्या क्या देखा, रसूल ने क्या क्या देखा, ताकि आपका जहन आज किसी खास मंजिल पर काम करे। देखिए रसूल गए हैं मेराज, मेराज को सबों ने लिखा, बुखारी ने लिखा, मुस्लिम ने लिखा, सहा की सारी किताबों में मेराज है, अपने पराए यगाने बेगाने सबों ने लिखा मेराज को। किसी ने कहा रूहानी है, किसी ने कहा जिस्मानी है, किसी ने कहा रूह और जिस्म दोनों के लिए है, किसी ने कहा फकत ख्वाब है, किसी ने कहा तखय्युल है, किसी ने कहा नूर की एक कैफियत है। बहरहाल जो कुछ सही, मेराज साबित है, मेराज साबित है। और अब इसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तफसीलात, जाहिर है कि मैं
ज्यादातर एतबार के काबिल उन्हीं किताबों को समझता हूं कि जिन पर एतमाद मिल्लत बैज़ा को है, और उसमें मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी की किताब सबसे अहम है, आपके सामने मौजूद है, यह सही। इन्होंने पैगंबर के देखने पर गुफ्तगू देखा, तो अब कुरान कह रहा है लकद रा मिन आयात रब्बिल कुबरा, और ये फरमाते हैं कि नबी ने एक मर्तबा जो नजर की तो जन्नतों को देखा, जन्नतों को देखा, तूबा को देखा, कौसर और तस्नीम को देखा, वहां की नेमतों को देखा, जहन्नम पे नजर की, जब अर्ज किया गया जहन्नम को तो देखा वहां की जहन्नतों को देखा, वहां के आफात को देखा, मसाइब को देखा। तो अब जन्नत का जब तक तस्करा हुआ ये नहीं कहा कि जन्नत में कितने इंसान देखे, किस किस को देखा, सिर्फ नेमतों का तस्करा है, कौसर को देखा, तस्नीम को देखा, खुल्द बरीन को देखा, फिरदौस को देखा, जन्नत के आठ नाम है, सारी जन्नतों को देखा। जहन्नम के तस्करे में किसी का नाम नहीं है कि किसको देखा, किसको देखा, सिवा एक नाम के। जहन्नम में सिर्फ एक नाम के रसूल ऊपर गए, और मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी रिवायत करते हैं दो वास्तों से, सुफियान सूरी से, सुफियान सूरी ने रिवायत की अब्दुल मलिक इब्ने उमैर से, अब्दुल मलिक इब्ने उमैर ने रिवायत की अब्दुल्ला इब्ने हारिस से, अब्दुल्ला इब्ने हारिस ने रिवायत की अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से, कि अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ये कहते हैं कि रसूल ने देखा जहन्नम में अबू तालिब को, और इस तरह से देखा कि राय तो हूं मिन जहजा है, ज़ौत है, ज़ौत अलिफ है, मिन जहजा है फिन्ना, कि टकनों तक आग थी और वो खड़े हुए थे। मैं आज एक फैसला चाहता हूं, लकद रा मिन आयात रब्बिल कुबरा, रब की सबसे बड़ी निशानी को देखा, और यहां जज्बा बातिन कहां ले जा रहा है, क्या कहना, ताल्लुकात कहां खींचे लिए जा रहे हैं इंसान को, कि उन्होंने देखा अबू तालिब को जहन्नम, आप देखें अबू लहब को नहीं देखा, अबू जहल को नहीं देखा, उन्होंने अब्दुल्ला इब्ने अबी सलूल को नहीं देखा, जो मुत्तफिक अलैह है, जिससे सारे मुसलमान के इतना बड़ा मुनाफिक था कि जितनी मुनाफिकीन के मुतालिक आते हैं सब एक ही अब्दुल्ला इब्ने सलूल के मुतालिक है, हालांकि दुनिया को नहीं मालूम कि अब्दुल्ला इब्ने अबी सलूल के पर्दे में कितने आदमी काम कर रहे हैं। क्योंकि रिले मुमकिन है, और मुमकिन है थोड़ी देर के बाद हम अपनी आवाज को उन भाइयों तक भी पहुंचा सकेंगे जो नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन वक्त के इस हिस्से को जो यूं गुजर रहा है, दिल यही चाहता है कि बहर सूरत उसको किसी
मसरफ के हवाले किया जाए। तो आपकी फिक्र को जिला देते हुए एक मर्तबा फिर यह गुफ्तगू के हजरत मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी ने दो रावियों के वास्ते से बहस की और यह कहा कि सुफियान सौरी ने कहा, सुफियान सौरी ने सुना अब्दुल मलिक इब्ने उमायर से, अब्दुल मलिक इब्ने उमायर ने सुना अब्दुल्लाह इब्ने हारिस से, अब्दुल्लाह इब्ने हारिस ने सुना अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा पैगंबर ने कि मैंने अपने चचा को देखा, मैंने अपने चचा को देखा। अब इस सिलसिले में इत्तेफाक से रुवात का सिलसिला एक ही है और इस रुवात के सिलसिले में हजरत सुफियान सौरी जिनका इंतकाल 161 हिजरी में हुआ है, बड़े सूफिया इकराम से गुजरे हैं और इनके लिए एक बात काफी है कि हशाम इब्ने अब्दुल मलिक के दरबार में इन्होंने ज़ैद शहीद के कत्ल की सही की थी। ज़ैद इब्ने अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब सही की थी और हमेशा से इनका तरीका यह रहा था कि सलातीन वक्त से कुर्बत हासिल करें और आले मोहम्मद से जिस कदर हो सके दूर रहें। हमारे पास दस्तूर यह है कि हम उस राजी को कतअन कबूल नहीं करते जिसकी दुश्मनी आले मोहम्मद से साबित हो जाए। यानी हम किसी रिवायत को इब्ने ज़ियाद से नहीं ले सकते, उमर साद से नहीं ले सकते, हरमला से नहीं ले सकते, इब्ने मुलजिम से नहीं ले सकते हैं। ये सब रावी हैं, ये सब रावी हैं। और इसी तरह से हम उन रावियों से भी रिवायत नहीं करते जो अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में सिफीन में खड़े हो, जमल में खड़े हो, नहरवान में खड़े हो। खुसूसन नहरवान के रावियों से हम इसलिए रिवायत नहीं करते कि इनका खारिजी होना यह दलील है इस अम्र की कि ये अपनी रिवायत में सिकाह नहीं है। ये हमारे उसूल हैं, बुनियादी उसूल इल्मे रिजाल कि हम उस रावी से रिवायत को कबूल नहीं करते कि जिसकी दुश्मनी आले मोहम्मद से मुसल्लम हो। यानी सौरी के बाद फिर एक नाम आ रहा है अब्दुल मलिक इब्न उमायर का, अब्दुल मलिक इब्न उमायर के बाद एक नाम आ रहा है अब्दुल्लाह इब्न हारिस का। अब जरा गौर फरमाएं कि ये तीन रावी इस रिवायत में हैं। तीनों रावियों के मुताल्लिक उलमाए अहल सुन्नत वल जमाअह में जो सबसे आलिम है अल्लामा इब्ने हजर असकलानी अपनी किताब तहजीब उत तहजीब में वो लिखते हैं कि यह तीनों रावियों की आदत ही यह रही है कि झूठी रिवायतों को वजा करें। इब्ने हजर असकलानी किताब का नाम है तहजीब उत तहजीब,
दूसरा रिजाल का आलिम ज़हबी तहजीबुल एतदाल, उसने कहा अब्दुल्ला इब्ने हारिस झूठा है, तदलीस के इल्जाम में हमेशा पकड़ा गया। अब्दुल मलिक इब्ने उमैर की रिवायत काबिल कबूल नहीं है। तो मुसलसल तीन झूठ बोलने वाले रावी एक जगह जमा हुए। मुसलसल तीन झूठ बोलने वाले रावी एक जगह जमा हुए और उन्होंने एक रिवायत ये पेश की कि पैगंबर ने अपने चचा को मेराज की रात में देखा कि जहन्नम में खड़े हैं और उनके पांव में आग है, टखनों पर आग है, और फरमाते हैं कि बाकी दिल और दिमाग सब आग से बुलंद है। अब सिर्फ ये देखना है कि इतनी जहमतें, इतना तवील सफर, इतनी बुलंदियां, इतनी गुर्बत, इतनी नजदीकी, और वहां पहुंचकर आलम मलकूत पर इहाता करने के बाद पैगंबर ने देखा फकत एक इंसान को, एक इंसान, और वो भी अपने चचा को, वो भी अपने चचा को। ये सही आयन में पूरे मेराज में एक ही रिवायत है ये, और उस इंसान के लिए है कि जिस इंसान के मुतालिक कहा जाता है कि वो नबी नहीं है, नबी नहीं है, यानी अंबिया को देखा, मूसा को देखा, इब्राहिम को देखा, ईसा को देखा, सारे अंबिया से मुलाकातें की, ये और बात है। मगर जहन्नम में मैंने अपने चचा को देखा कि वो आग में खड़े हुए हैं, और वो इसलिए आग में खड़े हुए हैं कि मैंने शफाअत की थी, शफाअत कबूल हुई, वरना सरतापा आग में होते। तो आपने देखा कि सारी मेराज की हकीकत और मेराज का खुलासा इन मुहद्दिसीन के दिलो दिमाग में है क्या? देखा आपने गुस्सा कहां निकाला, किस मकाम पर बे अख्तियार ये उबल पड़े। इस मकाम पर इन्होंने अपने दिल के थपोले तोड़े और फिर इन्हें सारे मेराज की हकीकत पढ़ के हम पहुंचे तो अबू तालिब तक पहुंचे, अबू तालिब तक पहुंचे, मेरे मतलब की बात तो मुझे मिल गई, मेरे मतलब की बात मुझे मिल गई कि मेराज की हकीकत इन मुहद्दिसीन के पास ये है कि चचा को जाके देखा, चचा को देखा, कहां देखा, ये अपने अपने मजाक पर है। कहां देखा, मगर ये तो मुसल्लम है कि चचा को देखा, चचा को देखा। ला इलाहा इल्लल्लाह जब इस रिवायत को पढ़ा गया इमाम मोहम्मद बाकर के, ये फरजंदे रसूल इस तरह से भी एक रिवायत आई है, अर्शाद फरमाया इस रिवायत की फिक्र न करो, छानबीन की भी जरूरत नहीं है, मगर इतना सुन लो कि अमीरुल मोमिनीन ने अपने जमाने हुकूमत में जब कभी काफिले हज को भेजा है
तो बसा औकात दो दो चार चार आदमियों को हजरत अबू तालिब का नायब बना कर भेजा है ताकि उनकी तरफ से हज अदा करें। जब इमाम सादिक के सामने इस रिवायत को बयान किया गया तो आपने फरमाया परेशान न हो इस वास्ते कि इजमाए आले मोहम्मद इसके खिलाफ है, इजमाए आले मोहम्मद इसके खिलाफ है और वो इसकी परवाह नहीं करते कि क्या कहा जा रहा है। किस्सा सिर्फ इतना ही कि इस्लाम को अर्ज किया गया, हतमी मर्तबत ने कहा इस्लाम के मुतालिक, उन्होंने कबूल नहीं किया और फिर उसके साथ ये भी कि हिफाजत में पैगंबर के जिंदगी बसर की, यह है पैगंबर की हिफाजत। कितने बरस? बचपन से लेके, यानी जिस वक्त पैदा हुए बाप का साया नहीं था सर पे, जब पैदा हुए तो बाप का साया नहीं था, तो पैदाइश से लेके 40 साल तक कबले नबूवत, नबूवत के बाद 10 बरस, 50 बरस जिसने अपने भतीजे की हिफाजत की और बार बार ये कहा वालमू अन्नपनना ला मुकज़्ज़बुन लदैना वला नबाउ बिकौल अबाउ चली, जान लो कि ये हमारा बेटा, इसको कोई झुटला नहीं सकता और अगर किसी ने इसको झुटलाने की कोशिश की तो हम कभी बातिल परस्तों की परवाह नहीं करते। जब ये मौजूद है वला नबाउ बिकौल अबाउ चली, बातिल परस्तों के किसी कौल की हमको परवाह नहीं है, तो आखिर आपने यकीनन अपने मुख्तलिफ अदवार फिक्र में यह सोचा होगा कि इतने अहम तरीन जिंदगी के मरहले में अपनी मर्तबत के सबकी नजर इस एक नाम पे क्यों गई और वो भी देखते देखते जन्नतों को आसमानों को मुख्तलिफ मदारिज फिरदौस को मरातिब खुल्द को नजर जब जहन्नम पे पड़ी तो वहां ये नजर आए। तो अब जाहिर है कि इस हदीस का सही बुखारी में आ जाना आज है, मौजूद है, बाबुल मनाकिब जहां खत्म होता है यह हदीस मौजूद है, आ जाना इस बात की खुली दलील है कि सदियों तक अबू तालिब ने जो हिफाजत की थी पैगंबर की उसका दाग दिलों पर ऐसा रहा। मिटाने की कोशिश की यहां तक के हदीस ज़हज़ा को वादा किया कि कम अज कम उससे वो जलन कम हो, वो सोजिश कम हो, वो तपिश कम हो, वो हैरानी कम हो, मगर अल्लाह रे मौजज़े साते गिरामी अबू तालिब के हिफाजत की भतीजे की
तो मैंने अभी तारीख आपको बतलाई 100 साल के एतबार से कि 50 बरस हिफाजत की, मगर 5000 बरस तक और मालूम नहीं कितने हजार बरस तक यह दाग दिलों पर छोड़ दिया। अब सोचते ही रहो, अब सोचते ही रहो, अकेला मैं, तन्हा मैं, और पूरा मक्का, पूरा कुरैश, पूरे कबाइल, पूरे बुतपरस्त, मैं तन्हा, और यही मेराज की रात। मैं ढूंढ रहा था अपने भतीजे को, हाथ में तलवार थी, कभी खाने काबा में जाते, कभी एक अरशी के पास जाते कि देखो अगर मोहम्मद को किसी ने अजियत दी तो आज खून की नदियां बह जाएंगी, और ऐसे में मेरी बेटी ने पुकार के कहा उम्मे हानी ने बाबा आओ, आ गए रसूल। रसूल को देखते ही पूछा कहां थे, कहा चचा जान अल्लाह ने मेराज में बुलाया था, तो सबसे पहला तस्दीक करने वाला को यही बुलाया था। तो इसी तस्दीक ने बहुत से दिलों को छेद दिया, इसी तस्दीक ने बहुत से दिलों को भरमा दिया, इसी तस्दीक ने बहुत से दिलों में दाग डाल दिए कि सबसे पहले तस्दीक कर दी। और सुबह को सरकार आने कुरैश आए, क्या सुना आपको मेराज भी दिखा है, का कहां कहां गए, का जहां गया उसका तुमको पता क्या, जहां गया उसका तुमको क्या पता, क्या समझ सकोगे अगर मैं निशानियां बतलाऊं, मगर तुम्हारे लिए इतनी बात कि मैं अपनी सारी जिंदगी में बैतुल मुकद्दस नहीं गया हूं, अब मैं तुमको बतलाता हूं कि बैतुल मुकद्दस में सुकून फुतून कितने हैं, उसके रुकन कितने हैं, उसके दरवाजे कितने हैं, दीवारों का रंग क्या है, सुलेमान के हैकल का मकाम क्या है, एक एक तफसील सुनाई का, यहां से पहले बैतुल मुकद्दस गया और फिर वहां से आसमानों पर गया, तो बैतुल मुकद्दस को तो पहले समझ लो, अब जो सुना बैतुल मुकद्दस की पूरी तफसील को तो घबरा के कहने लगे आप कभी न कभी तो गए थे, आप कभी न कभी तो गए थे। तो आपने देखा वो पहले जाना तो उनके लिए यकीनी है, बतलाया कि बैतुल मुकद्दस के मुतालिक पूछना हो तो पूछ लो, एक एक मकाम को पूछ लो, वहां की तफसील में बतलाऊंगा, ऊपर की बातें तुम क्या जानो, ऊपर की बातें तुम क्या जानो, ऊपर की बातें तो वही होंगी, ऊपर की बातें वही होंगी कि जब मेराज की शब खत्म हुई और नबी बाहर निकले तो नबी ने अपने नफ्स को मुस्कुराते हुए देखा। अपने नफ्स को मुस्कुराते हुए देखा, पूछा खैर तो है मुस्कुराते हो, कहां अल्लाह के रसूल रात अच्छी गुजरी, रात अच्छी गुजरी, क्या कैसे, क्या अल्लाह के रसूल तफसील आप सुनाएं या मैं सुनाऊं, देखिए गुफ्तगू यहां तक कैसे आई, मैंने पहले
कि हम जज्बात की रौ में नहीं जाएं, मगर सिलसिला कलाम ने मजबूर किया कि जब अबू तालिब के मुतालिक दुनिया यह कहती है फकत इसलिए कि वो अला दीन अब्दुल मुत्तलिब कह के मर गया, पूछा किसके दीन पर जा रहे हो तो अला दीन अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब वसी इब्राहिम है, अब्दुल मुत्तलिब औसियाए अंबिया में से है, अब्दुल मुत्तलिब मुवहिद है, अब्दुल मुत्तलिब बुतपरस्त नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब ने जिंदगी भर शरीयत गर्रा की रूह से पहले हराम नहीं किया है, अलाउद्दीन अब्दुल मुत्तलिब। तो आपने देखा कि चूंकि तबीयत भरी हुई थी दुनिया की और इनकबाद तबा ने यह चाहा कि किसी न किसी मकाम पे बदला लिया जाए, तो सारी हदीस की किताबों को पढ़ जाने के बाद अब पता चला कि बदले की एक ही जगह है, एक ही जगह है। एक तो ये कहते हैं कि कुफर में मर गए, या ये कहें कि अंजाम क्या है, तो अंजाम को बतलाया कि रसूल ने खुद देखा अंजाम ये है, रसूल ने खुद देखा अंजाम ये है। तो देखिए बात जब यहां तक आई कि अबू तालिब के अंजाम पे नजर गई कि एड़ियां आग में हैं, फकत इसलिए कि वो इस्लाम नहीं लाए, तो अब दिल की बेचैनी ने यह पूछा कि उसके बेटे ने जो मुहाफिजत का हक अदा किया बद्र में, उहद में, खैबर में, खंदक में, उसके बेटे ने जो मुहाफिजत का हक अदा किया 87 गजबात हिजरत की रात में, उसके बेटे ने जो मुहाफिजत का हक अदा किया दीन की बाद रसूल, तो आकर इस सिलसिले में जब बात के लिए अदल पसंद मिजाजों ने यह फैसला किया था तो आकर बेटे के लिए भी तो कोई फैसला सुना। देखा इतने ईमान को देखकर तो कुछ तो कहो, इमाम हसन अस्करी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए इस रिवायत को, 11वें इमाम के सामने पेश किया गया कि ज़हज़ाहि मिनन्नार, एक मर्तबा कहा हां मुमकिन है इन रावियों ने रिवायत की हो, मगर तुम मुझसे क्या चाहते हो? अच्छा फरजंदे रसूल अबू तालिब के मुतालिक कुछ पूछना है, तो क्या पूछोगे उसके मुतालिक कि अगर मीजान आमाल में उसका ईमान एक कफ्फे मीजान में रख दिया जाए और सारी दुनिया का ईमान दूसरे कफ्फे में रखा जाए तो अबू तालिब का ईमान गरा होगा। ये इमाम हसन अस्करी आपके अहिम्मा के ये इरशादा कि उनका ईमान आलम के ईमान से गरा है, मासूम कहें बात वो कि जहां ईमान जिसका आलम के ईमान से गरा हो तो बेटा वो इसकी एक जरूरत माफ करें, आज तकरीर इसी मंजिल पर खत्म हो रही है कि कुरान ने यह कहा कि हमने तलब किया था इसलिए कि ताकि हम अपनी बड़ी निशानियों को बतलाएं, और फिर दूसरे मकाम तक लकद राओ मिन आया और सिर्फ दहिल को बराओ हमारी बड़ी निशानी को दिखलाया। मैंने सूरह रूम की आयतें पढ़ी कि रात भी निशानी है, दिल भी निशानी है, हया
मरना, ये सब निशानियां हैं। और ऐसी मंजिल पर ये दिन की निशानियां हैं, मरना ये सब निशानियां हैं। और ऐसी मंजिल पर जब तलब किया था तो क्या इसीलिए तलब किया था कि कायनात की छोटी छोटी चीजों को दिखलाता, या यकीनन कोई ऐसी निशानी थी कि जिसको कहा गया कि लकद राव मिन आया सिर्फ दिल गुमराह, उसने अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी को देखा, सबसे बड़ी निशानी को देखा। तो फिर दिल ये कहता है कि यकीनन कोई राज होगा और राज की बातों में हम कोई दखल नहीं रखते, न हमसे ये कहा गया कि इसकी तफसीर ये है, इसकी तशरीह ये है। लेकिन जब हमने मुफस्सिरीन को और मुहद्दिसीन को देखा तो उन्होंने एक नया शगुफा खिलाया, और वो शगुफा ये था कि अल्लाह का ईमान गरा होगा, ये इमाम हसन अस्करी आपके अइम्मा के ये इरशादा कि उनका ईमान आलम के ईमान से गरा है, मासूम कहें बात वो कि जहां ईमान जिसका आलम के ईमान से गरा हो, तो बेटा वो जिसकी एक जरूरत आप मुआफ करें। आज तकरीर इसी मंजिल पर खत्म हो रही है। मैंने सूरह रूम की आयतें पढ़ी कि रात भी निशानी है, दिन भी निशानी है, मरना ये सब निशानियां हैं। और ऐसी मंजिल पर जब तलब किया था तो क्या इसीलिए तलब किया था कि कायनात की छोटी छोटी चीजों को दिखलाता, या यकीनन कोई ऐसी निशानी थी कि जिसको कहा गया कि लकद राव मिन आया सिर्फ दिल गुमराह, उसने अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी को देखा, सबसे बड़ी निशानी को देखा। तो फिर दिल ये कहता है कि यकीनन कोई राज होगा और राज की बातों में हम कोई दखल नहीं रखते, न हमसे ये कहा गया कि इसकी तफसीर ये है, इसकी तशरीह ये है। लेकिन जब हमने मुफस्सिरीन को और मुहद्दिसीन को देखा तो उन्होंने एक नया शगुफा खिलाया, और वो शगुफा ये था कि पैगंबर ने अपने चचा को देखा, पैगंबर ने अपने चचा को देखा। मैं एक मतलब फिर तवज्जो चाहता हूं, अगर आपने तवज्जो नहीं की है तो फिर तवज्जो कीजिए। सारे मेराज की गुफ्तगू में, सारे मेराज की गुफ्तगू में मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी का जोर यह है कि अपने चचा को देखा। तो अब जाहिर है कि उसको गौर करने वाला नीयतों को पढ़ने के बाद, इरादों को देखने के बाद, फितरतों को आजमाने के बाद, मोहब्बत और नफरत के जज्बात को समझने के बाद वो इस मंजिल पर पहुंचता है कि अच्छा मौका निकला, अच्छा मौका ढूंढा इस अम्र को वाज़ह करने के, कहां किसने किसको देखा, कहां किसने किसको देखा। अब ये नहीं मालूम कि अगर वहां देख के आए थे तो ये मेराज तो बहुत पहले है, चचा से तो कहा नहीं, भतीजे ने चचा से तो कहा नहीं। और फिर अजीब बात कि चचा की इताअत में, चचा की फरमाबरदारी में, चचा की बात को मानने में जर्रा बराबर जो कमी आई हो, चचा ने खिलाया खा लिया, चचा ने पहनाया पहन लिया,
चचा ने बुलाया चले गए, कभी ये नहीं कहा कि आपको तो वहां देख के आ रहा हूँ, आपको तो वहां देख के आ रहा हूँ। बहरहाल हैरत सी हैरत है, नामों को याद रखिए, कभी मौका मिले इन हदीस की किताबों को देखने का तो इन हदीस की किताबों को देखिए, और ये देखिए कि कहां जाके इन लोगों ने अपना जोर कलम सर किया और अपनी फिक्र को किस तरह से इस्तेमाल किया कि वहां पैगंबर ने देखा, वहां पैगंबर ने देखा और इस हाल में देखा, इस हाल में देखा, यानी किसी कातिल को नहीं देखा, किसी ऐसे को नहीं देखा जिससे गुनाहों ने कबीरा सजा दुबे हो, नहीं, जैसा कि अभी मैं कह चुका कि कुरान ने सराहत की, तब्बत यदा अभी लहबिन व तब, वहां उसको नहीं देखा, उसको नहीं देखा जिसने हिफाजत की, जिसने पाला, जिसने बढ़ा की बड़ा किया, जिसने सहारा दिया, जिसने बच्चों के बिस्तर पर सुलाया और उनकी जगह पे अपने बच्चों को सुला के रातें गुजार दी, जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी उसके मुतालका के, उसको देखा, उसको देखा। तो बहरहाल ऐसी मंजिल पर सिर्फ इतना कह के आगे बढ़ जाते हैं, इतना कह के आगे बढ़ जाते हैं कि खुदा गवाह है ऐ अबू तालिब के जिस किसी ने ये तसव्वुरात आपके लिए कायम किए वो इतना आपसे मरूब था, इतना डरा हुआ था, इतना घबराया हुआ था, इतना उसके दिल में आपकी तरफ से इनाद था, इतना आपकी तरफ से उसकी तबीयत में अदावत का जोर था कि उसने इस तमाम हकीकत को जाहिर करने के लिए आपके ताल्लुक से मेराज में एक बात वजा कर दी और ये बतलाने की कोशिश कि मेराज में भी सबको भुलाया जा सकता है मगर अबू तालिब को भुलाया नहीं जा सकता। यानी अब जिस तरह से वो काबिल जिक्र हो मगर अबू तालिब को भुलाया नहीं जा सकता है, अबू तालिब को भुलाया नहीं जा सकता। अब यहीं से तबीयत में एक किस्म का इश्तियाक पैदा हुआ, एक शौक पैदा हुआ उसकी बारगाह में जाने के लिए दिल बेचैन है कि अबू तालिब कैसे याद आ गए, कैसे याद आ गए, मेराज की रात याद आए, मेराज की रात याद आए। तो देखिए मैंने किस मंजिल पे आके गुफ्तगू की, मैंने ये तस्करा नहीं किया कि पर्दा था कि न था, मैंने ये तस्करा नहीं किया कि पर्दे के पीछे कौन था, मैंने ये तस्करा नहीं किया कि किस लहजे में गुफ्तगू हुई, मैंने ये गुफ्तगू नहीं की कि किसके लहजे में गुफ्तगू हुई, कलाम किसकी आवाज में था, इसलिए कि मैं जान रहा था, मैं जान रहा था कि ये गुफ्तगू छिड़ेगी तो मुमकिन है कि बहुत ज्यादा रिवायतों पर नजर रखने वाले ये कहेंगे कि सनद नहीं है, इसलिए चलो बेटे के जिक्र को हमने छोड़ा, बेटे के जिक्र को हमने छोड़ा मगर दुनिया बाप के जिक्र को नहीं छोड़ती, दुनिया बाप के जिक्र को नहीं छोड़ती। तो पता चला कि यही वो बाप बेटे हैं कि जो किसी न किसी सूरत से कहीं न कहीं आपको पैगंबर की जिंदगी में मिलेंगे, कहीं न कहीं आपको पैगंबर की जिंदगी में मिलेंगे। और यही वो मंजिल थी, यही वो मंजिल थी। बहुत गौर से सुनिए, ये अख्तिताम है तकरीर। दुनिया से जा रहे थे अबू तालिब, तो जाके अमीरुल मोमिनीन ने सलाह दी कि अब हालत खराब, तो आंखों में आंसू भर के कहा, बचपन में पाला,
जवानी में संभाला, बुढ़ापे में मेरी हिफाजत की। मेरे चचा, तुम पर रहमतें हो, तुम पर रहमतें हो। नमाज जनाजा तशरी नहीं हुई थी, न खतीजा की नमाज जनाजा पढ़ी गई, न अबू तालिब की। नमाज जनाजा का हुक्म मक्के में नहीं आया था 10 हिजरी तक। ऐसे में सिर्फ इतना कहा कि अली, ये मोहम्मद की विदा ले जाओ, ये मेरे चचा का कफन है। तो रहमतुल लिल आलमीन की रिदा में जो सो रहा हो, उसके लिए, उसके लिए ये तसव्वुरात कि ये अबू तालिब का वक्त वफात और वो रसूल का वक्त वफात है। तो सैयदा कहती हैं कि मेरे पदर ग्रामी की पेशानी पर पसीने के कतरे आए, तो मैंने अपनी चादर से पसीने के कतरों को पहुंचते हुए बेअख्तियार कहा, वो अब यज्जयुस्तस्कल गिमाम लिवजे ही सिमालुल यतामा इस्मतुन लिल आराम ली। तो आलम मरज़ मौत में गशी के बाद आंखें खोल के कहा, जहरा तुमने चचा का शेर पढ़ा था, तुमने मेरे चचा का शेर पढ़ा था। यानी सैयदा ने कहा कि इसी चेहरे को देख के पानी के बरसने की दुआएं मांगी जाती हैं। तो तुमने मेरे चचा का शेर पढ़ा था, तो आपने देखा कि इस तरह से वक्त बेवक्त हर जगह अबू तालिब रसूल को याद आते रहे, रसूल को याद आते रहे। 17 रमजान जब आएगी तो आप सुनेंगे और एक मरतबा याद किया अबू तालिब। उबैद इब्न हारिस में अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के पोते जब जख्मी होकर गिरे और जब इनको खेत कर अली और हजरत हमजा लेकर आए, तो रसूल की सूरत देखी और मुस्कुराने लगी। तो आपने इरशाद फरमाया, भाई ये मुस्कुराने का वक्त है। कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, यही कहा था अबू तालिब ने कि हमारे बच्चे इसके गिर्द इस तरह से तड़पेंगे जैसे शमा के गिर्द परवाने जल जल के गिरते हैं। वो ननसुर हत्ता नुसर्रा हौलहू, हम इतनी मदद करेंगे, इतनी मदद करेंगे कि उसके अतराफ हमारी लाशें रहेंगी। तो बे अख्तियार अल्लाह के रसूल ने अपने चचा के लिए रहमत तलब की, रहमत तलब की। और इसी पर इजमाए अहले बैत रहा कि अब दुनिया जो चाहे कहे, मेराज के हवाले से कहे या किसी और मंदिर पर कहे, या किसी और मंदिर पर कहे, मगर आले मोहम्मद अपनी जगह मुस्तकिल थे, मुस्तकिल थे कि हम उस घराने से हैं और हमारा जद्दे आला वो है कि जो मुहाफिज़ इस्लाम है, मुहाफिज़ इस्लाम है। अब इसके बाद गुफ्तगू आखिरी मजलिस में होगी हज़रत अबू तालिब के मुतालिक। आज की हद तक अब इख्तिताम, और वो ये कि मेराज की हकीकत किसी पर वाजह नहीं है, मेराज का राज किसी पर आश्कार नहीं है, मेराज को कोई समझ ना सका। सिर्फ यही कुरान के 2 सूरे हैं जो आपके सामने हैं, ये तो बनी इसराइल की पहली आयत, दूसरे वन नज्म की चंद आयत, वन नज्म की चंद आयत। मगर इसी सिलसिले में सूरह जुहा को भी कोई ना भूले, उसमें भी कुछ तफसीर है। वह जुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, उजाला गवाह है अंधेरा गवाह है कि तेरे परवरदिगार ने कभी तुझको अकेला छोड़ा ही नहीं। मा वद्दअका रब्बुका
का वह माँ अला, तेरे रब ने तुझको कभी अकेला नहीं छोड़ा। वलल आखिरत खैरुन लक मिन अलूला, अंजाम आगाज से कहीं बेहतर है। वला सौफा योती का रब का फतरजा, और तेरा रब तुझको इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि तू राजी हो जाए, तू राजी हो जाए। और हाँ हबीब, तुझे नहीं खबर है कि तेरे रब ने तुझे पाला जब तू यतीम था। अलम यजिद का यतीम अनसावा, जब तू यतीम था तो तेरे रब ने पाला। अब बताओ अबू तालब का मकाम क्या है? अलम यजिद का यतीम अनसावा, तू यतीम था, हमने तुझको पाला, हमने तुझको पाला, पाला किसी और ने, निस्बत जाते वाजिब की तरफ, निस्बत जाते वाजिब की तरफ, तो आपने देखा इस शान से पाला। इतनी अजीब बंद, इस शान से पाला के रबूबियत इलाही ने पुकार के कहा, अबू तालिब तुम नहीं पाल रहे हो, हम पाल। तो ये मकाम अबू तालिब, बस इसका जवाब ये, इसका जवाब ये है कि तुम तीन आदमियों को पेश कर रहे हो, सुफियान सोरी, अब्दुल मलिक इब्ने उमायर, अब्दुल्ला इब्ने हारिस, और हम कुरान को पेश कर रहे हैं। ये कुरान है, पाला है यतीम बच्चे को, जाते वाजिब ने निस्बत अपनी तरफ दी है, अपनी तरफ दी है, और कहा कि तू यतीम था और हमने तेरी निगरानी की, तू यतीम था, हमने तुझे पाला, अब तू अबू तालिब का मकाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि अब आखिरी मंजिल। इमाम सादिक फरमाते हैं, जब उनके सामने इस हदीस का तस्करा किया गया, मैंने एक एक इमाम का तस्करा किया है, जहजा है मिनन्नार का, तो एक मरतबा मुस्कुरा के कहने लगे, कयामत के दिन हजरत अबू तालिब इतनी शफाअत करेंगे गुनाहगारान उम्मत, वो इतनी शफाअत करेंगे गुनाहगारान उम्मत की कि दुनिया देख के हैरान हो जाएगी कि शफाअत का इख्तियार इनको कहां से आया। अबू तालिब शफाअत करेंगे, शफाअत फरमाएंगे, लोगों को बचाएंगे, जहन्नम से हटाएंगे, जहन्नम से हटाएंगे, आराफ पे खड़े होंगे और पहचान लेंगे कौन कहाँ है। और ऐसी मंजिल पर अगर हम गौर करें, जाहिर है महशर में हम तो ये कह सकते हैं, हमारी अक्ल सलीम ये कहती है कि ये अब्दुल मलिक इब्ने उमायर भी होंगे वहाँ, अब्दुल्ला इब्ने हारिस भी होंगे, सुफियान सौरी भी होंगे, अल्लाह का रसूल भी होगा। और उस वक्त जब इन रावियों से ये पूछा जाए कि तुमने ये रिवायत की थी कि अबू तालिब जहन्नम में ऐसे खड़े हुए हैं कि एड़ियों तक आग है, तो अच्छा जाओ जहन्नम में देख के तो आओ। तस्दीक के लिए भेजा जाएगा, भेजा जाएगा, देख के आओ,
तुमने कहा था ना ये रिवायत तुमने बयान की थी, देख के आओ। तो फिर जाना लाजिम, वापिस आना साबित नहीं। आपसे मैं माजरत खां हूं कि हक तकरीर अदा न हो सका। बहरहाल मैं अपनी मंजिलों से आगाह हूं और यह जानता हूं कि किस मकाम तक मुझे पहुंचना है, कहां तक आपकी फिक्र को जाना है। एक बात और निहायत वो ये कि 11 हिजरी से ज्यादा परेशान कौन अंदोह ना मुसीबत खेज दौर 61 हिजरी है, मालूम है ना, यानी सारी दुनिया दुश्मन है 61 हिजरी, यानी 61 हिजरी ना आगाज में इसकी मिसाल है ना अंजाम में इसकी मिसाल है। मेरे साथ आज फिक्र आपकी रहे, 61 हिजरी ना आगाज में उसकी मिसाल है ना अंजाम में उसकी, इतना अंदोहनाक दौर है कि हर राह का चलने वाला आले मोहम्मद के दामन को बचा के चलता था कि कहीं वो मदद को ना पुकारे और कहीं हमारी जान पर ना बन जाए। ये 61 और ऐसे में 61 हिजरी अरब, यहां हुफाज कुरान भी हैं, फुसहा भी हैं, बुलगा भी हैं, मुहद्दिसीन भी जमा हैं, रिवायतों के नकल करने वाले भी मौजूद हैं, सब मौजूद हैं इस दौर में। यानी सईद कुदरी से रिवायतें आ रही हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायतें आ रही हैं, उम्महातुल मोमिनीन से रिवायतें आ रही हैं, तकरीबन सहाबा से, ताबेईन से, तबे ताबेईन से रिवायतें आ रही हैं, 61 हिजरी। और ऐसे में इस्लाम का दारुल खिलाफा शाम और शाम के ममलिकत में तहनियत की रस्म अदा हो चुकी, सारे हुसैन आ चुका। भाई मैं बहुत गौर का तालिब, सारे हुसैन आ चुके और एक ने एक को मुबारकबाद दी। दरबार हैरान के क्या है। ऐसे में क्या आप इस बात का यकीन कर सकते हैं कि मासूम ने यह चाहा कि अब यह मौका है कि अब हो गुफ्तगू या मेराज, और यह है शुजात सैयद सादिक, यह है शुजात ज़ैनुल आबिदीन। जब फूफी खुतबा पढ़ चुके तो बेख्तियार कहा, यजीद मुझे इजाजत है कि मैं इन लकड़ियों पर चल जाऊं, अल्लाह हाज़िल आवाज अलिफ आइन वाव अलिफ दाल आवाज, क्या मैं इन लकड़ियों पर चल जाऊं, मतलब ये कि ये सिर्फ लकड़ियां हैं, ये लकड़ियां हैं, मेरे घर में हो तो मिंबर, अल्लाह हाज़िल आवाज, क्या मैं इन लकड़ियों पर चल जाऊं। उसने खामोशी अख्तियार की,
अहले दरबार ने कहा अमीर क्या हर्ज है? वो कैदी है, तो सलासिल में असीर है, वो क्या गुफ्तगू करेगा तेरे खिलाफ? क्यों मौका नहीं दिया जाता कि हम एक मरतबा मोहम्मद के घराने की जबान सुने? तो अहले दरबार का जबर देखकर, जबर देखकर उसने कहा कि अच्छा जाओ, मगर इसका ख्याल रहे कि हुकूमत के वक्त के खिलाफ कुछ न कहा जाए। अब देखिए इमाम का काम क्या है, इमाम का फरीदा क्या है, हुकूमत की ख्वाहिश क्या है। आपने ये तय किया कि नहीं, हुकूमत के मुताल्लिक कुछ नहीं कहा जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा। और यह कह के आप मिंबर पे गए, मिंबर पे गए और अब मैं सारे मकातिल मेरे सामने हैं। ऐसे मौके पे आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला जद्दी सैयदिल मुरसलीन, दुरूद सलाम मेरे जद सैयद मुरसलीन। अम्मा बाद, मन अरफनी फकद अरफनी, वो मन लम यारिफनी अना ओ अर्रिफो, जो मुझे पहचानता है पहचानता है, जो नहीं पहचानता है अब मैं उसको पहचानवाऊंगा, मैं पहचानवाऊ। अब यहां से जरा गौर कीजिए, मैं पहचानवाऊंगा मुल्क दुश्मन, जमाना दुश्मन, सियासत वक्त दुश्मन, और उस वक्त का अनबनू, अनबनू मक्का तवा मीना, मैं मक्का और मीना का बेटा हूं, अनबनू जमजम और सफा, मैं जमजम और सफा का बेटा हूं। एक एक लफ्ज इस काबिल है कि सब बहस हो, मैं मक्का और मीना का बेटा हूं, मैं जमजम और सफा का फर्जंद हूं। अनबनू मन हज वलब्बा, मैं उसका बेटा हूं जिसने हज किया और जिसकी लब्बाए की आवाजें बुलंद हुई। अनबनू मन हमला रोकन फिर रिदा, मैं उसका बेटा हूं जिसने अपनी रिदा में हजर अस्पत को रख के उठाया। अनबनू, बहुत गौर सुनिए, अनबनू मन उसरे अबही इला मस्जिद अक्सा, मैं उसका बेटा हूं जिसको रात के वक्त मस्जिद अक्सा तक मेराज में बुलाया गया। अनबनू मन उसरे अबही इला मस्जिद अक्सा, अनबनू मन बुलेगा इलाओ सिदरतुल मुंतहा, मैं वो हूं जिसको सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचाया गया। अनबनो मंदना फसद अल्लाह, मैं उसका बेटा हूं जो नजदीक हुआ डोल के मानिंद हो गया। सकाना आबा औ सैने औ अदना, मैं उसका बेटा हूं जो दो कमानों की तरह से मिल गया। अनबनो मन राव मिनाया होते रब हिल कुबरा, मैं उसका बेटा हूं जिसने अपने रब की सबसे बड़ी निशानी को देखा। शाम का दरबार, पूरी गुफ्तगू मेराज पर, पूरा सूरह नजम, किसी की मजाल थी कि कोई उठ के ये कहता कि फरजंदे शाम का दरबार, पूरी गुफ्तगू मेराज पर, पूरा सूरह नजम, किसी की मजाल थी कि कोई उठ के ये कहता कि फरजंदे रसूल वो तो खाक के आलम में था।
किसी की मजाल थी जो ये कहे कि वो तो रूहानी मेराज थी, जगत तो जिसमें अब दस तो जमीन पर था। नहीं, सब चुप थे, सब हैरत में थे। तारुफ हो रहा था और तारुफ इस शान से कि पूरी मेराज से गुफ्तगू थी। सुभान अल्लज़ी असरा की आयत को भी ले लिया, सूरह वन्नजम की आयतों को ले लिया और उसके बाद बे अख्तियार कहा अनबनु मन कुतिल मज़लूमा, मैं उसका बेटा हूं जिसको मजलूम कत्ल किया, मैं उसका बेटा हूं जिसको मजलूम कत्ल किया, मैं उसका बेटा हूं जिसके घर को लूट लिया गया, मैं उसका बेटा हूं जिसके अहले हरम को असीर किया। अब किसी की मजाल ये नहीं थी, किसी की मजाल ये नहीं थी। हाकिम मौजूद है, शहनशाहियत है, मगर अब कोई हवा का हो तरफदार हाकिम का नहीं है। वो वक्त अभी अभी गुजरा कि हर एक अपने दामन को बचा रहा था। अब यह मेराज है आले मोहम्मद की। अब यह मेराज है आले मोहम्मद की कि उनका सिक्का है, उनका कदम मिंबर पर है। वो खुद बाजे रहे हैं, दरबार में रोने का गुल हुआ, दरबार में रोने का गुल उठा और ऐसे में उसने आवाज दी मुअज्जिन को अज़ान दे। उसने कहा अल्लाह अकबर। भाई बहुत गौर से सुनिए, ये हदीस है, आप बार बार नहीं सुनेंगे। उसने कहा अल्लाह अकबर। इमाम ने कहा कि बेशक किबरियाई उसी के लिए। उसने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने कहा एकताई उसी जात को सजा। उसने कहा अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। शेख अब्बास कुम्मी कहते हैं इमाम ने अमाने को सर से उतार दिया, अमाने को सर से उतार दिया, आस्तीन को उलट के कहा उसी मोहम्मद की कसम चुप हो जा। वो चुप हुआ, वो चुप हुआ। तो आपने कहा अहले दरबार अपने हाकिम से पूछो, अपने हाकिम से पूछो कि ये मोहम्मद मेरा जद है या इसका जद। अगर ये कहे कि ये मेरा जद है तो ये झूठ कहता है, तुम गवाह हो। और अगर मैं कहूं कि मेरा जद है तो अहले दरबार ये उसी की नवासियां हैं जो खड़ी हुई है। भाई बहुत गौर से सुनिए, मैंने कभी इतनी तफसील से इस वाकये को नहीं बयान किया था। आज अच्छा है कि इस सिलसिले में आप इस एक जुमले को मेरे आखिर में सुन लें तकरीर के। क्या आपने कहा कि अगर ये मेरा जद है तो ये उसी की नवासियां हैं ना जो सामने खड़ी हैं। इसके बाद उलमाए मकातिल कहते हैं दोनों हाथों से गरीबान को पकड़ा और एक मतलब गरीबान को चाट किया और कहा अल्लाह के रसूल तुम देखो ये ज़ैनब है।